रोड ऐसा हो गया है उधर उली लोहर से आगे होकर के वहां से लेकर के जहां डैम है राउता बोलते हैं वहां से कि अगर कोई एम्बुलेंस भी नहीं जा पाएगा वहां पर डिलीवरी केस वाला पेशेंट तो रास्ते में ही मर जाएगा, या तो माँ मरेगा या तो बच्चा मरेगा या तो फिर दोनों मर जाएगा, ऐसी हालत उस रोड की है। खाली अपना पार्टी वाला आदमी लोगों को देखता है या किसको देखता है, आम जनता से मतलब नहीं है। जीतने का चांस तो हमको राजा पीटर का लग रहा है। लोकप्रिय नेता के रूप में अभी यहाँ की जनता राजा पीटर को ही बोल रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूँ। उनका एक स्वभाव ठीक है कि भाईचारा बनाए हुए रखते हैं और सबके घर सुख या दुख हर समय अवेलेबल रहते हैं। लोकतंत्र 19 के चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं जोहार है। मैं सिमा कच्छप। अभी जो है हम चुनावी यात्रा में आए हुए हैं। अभी जो है हम इस वक्त कहेंगे तो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र यानी ये NH6 नेशनल हाईवे है, डोड़िया मोड़ है। यहाँ पे हम जो है तमाड़ विधानसभा में प्रत्याशी के तौर पर बड़े बड़े उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिनमें कहे तो राजा पीटर हैं, विकास मुंडा है और भी है जिनमें गुंजनी की मुंडा है और भी कई दिग्गज जो है यहाँ से खड़े हुए, बाप पार्टी से कहे तो प्रेमशाही मुंडा है। देखते हैं चलिए यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, वे किसको इस बार जो है प्रत्याशी के तौर पर पसंद कर रहे हैं, फिलहाल जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के ग्रामीण जो है लोग है किसकी विधायकी देखना चाह रहे हैं, किसको विधायकी से हटाना चाह रहे हैं, हम यहाँ के लोगों से बातें करते हैं। दादा जोहार। दादा सबसे पहले तो आपका परिचय बताइएगा, कहाँ से है, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? मेरा नाम सिद्धेश्वर मछुआ है, मेरा गांव अड़की है, यहाँ ऑटो चलाते हैं। तो चलाते हैं दादा, कौन सा क्षेत्र पड़ता है आपका ये भी बता दीजिए। तमाड़ विधानसभा। हाँ, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र पड़ रहा है। किसको वोट दे रहे, किसका मतलब यहाँ पे लग रहा है आपको दबदबा इस बार, किसका लग रहा है जीतने का? जीतने का चांस तो हमको राजा पीटर का लग रहा है। क्यों, मतलब ऐसा क्या कारण है उनका जीतने का, ऐसा चांसेस लग रहा है? वो कुछ भी काम होता है तो सबका घर पहुंच जाता है, बुलाते हैं तो जहाँ बुलाते हैं वहाँ आता है, या खबर भी उसको मिल जाता है तो अपने आप पहुंच जाते हैं। और बाकी बात दूसरा विधायक या और कोई नेता उस टाइप से नहीं लगता, उन लोगों को बुलाने से भी नहीं आता, तो इस बार इसलिए हम लोग सोच रहे राजा पीटर को ही जिताएंगे। तो यहाँ पे मतलब आप जैसे सिटिंग विधायक भी है, उनके काम से खुश नहीं है क्या? वो दिखते भी नहीं है। दिखते नहीं है, दिखते भी नहीं, हम लोग का क्षेत्र में तो कभी दिखते ही नहीं, हर की तरफ दिखते भी नहीं। नहीं, उनके पिता रमेश सिंह मुंडा का तो बहुत अच्छा छवि रहा है, वो बहुत अच्छा काम किए थे, वो आदमी भी अच्छे थे। हाँ। लेकिन ये उसका नक्शा कदम पे नहीं, ये अपना पता नहीं क्या कर रहे हैं, आदमी को देखते भी नहीं, किसको देखते है पता भी नहीं चलता, खाली अपना पार्टी वाला आदमी लोगों को देखता है या किसको देखता है, आम जनता से मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे इनका कहना है कि वे यहाँ पे उनको देखना चाहते हैं। फिलहाल और भी कई लोग हैं यहाँ, कई ग्रामीण हैं, कुछ दुकानदार हैं, हम बातें करेंगे कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, किनकी विधायकी देखना चाहती है। दादा जोहार। जोहार जोहार। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, थोड़ा ये भी बता दीजिएगा। मेरा नाम हुआ भगीरथ सेठ, मेरा छोटा मोटा फल दुकान है तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के हुए, और अभी फिलहाल यही काम करते हैं, यही रहते हैं। कैसे चल रहा है यहाँ का राजनीति माहौल, कैसा है, क्या लग रहा है, किसकी विधायकी रहेगी, किसकी विधायकी जाएगी? वो तो खैर फिलहाल अभी नहीं कुछ बता सकते हैं, सबका अपना अपना मत होता है, सबका अपना अपना राय होता है, हर एक गांव अलग अलग अपना ही करते हैं, बैठक करते हैं, समझौता करते हैं और देते हैं। तो जैसे फिलहाल अभी भाई साहब बोले राजा पीटर, उनका एक स्वभाव ठीक है कि भाईचारा बनाए हुए रखते हैं और सबके घर सुख या दुख हर समय अवेलेबल रहते हैं। अगर कोई अगला मंत्री किसी को भी मंत्री बनाए तो वो हमेशा हम लोग के साथ नहीं रह पाएंगे या साथ नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग जनता यही मैंने खुशहाल रहते हैं कि भले हम लोग का बड़ा काम हुआ चाहे नहीं, लेकिन हम लोग दुख में या सुख में बुलाए तो मैंने सर जैसे पहुँच गए, यही हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं कि ऐसे तो बड़े बड़े और नेता हैं कभी दर्शन तक नहीं होता है, तो गांव में तो क्या बोले कि यही देखता है यही सुनता है कि हम लोग के ही साथ हैं, भले ही बड़ा काम कर पाए या ना पाए, तो यही सोच के अभी सर जैसे बोले माने भाई साहब कि राजा पीटर जी को जिताएंगे, तो यही उम्मीद लेके चले हैं, उन्हीं को देने का इच्छा है, आगे
क्या होगा क्या नहीं ये भगवान जाने। चलिए इनसे तो इनकी राय जान ली कि इन लोग जो है गांव गांव में बैठी की करके इन लोग जो है एक साथ अपने जो है मत को जो है डिसाइड करते हैं कि किनको वोट देना है किनको नहीं देना। फिलहाल एक और दादा है उनसे बात करेंगे, उनसे भी जो है राय लेते हैं यहाँ के क्या माहौल चल रहा है राजनीति का। दादा जोहार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम सिंह मुंडा। राम सिंह मुंडा, दादा क्या लग रहा है यहाँ का माहौल कैसा चल रहा है, किसकी मतलब किसके तरफ हवा ज्यादा चल रहा है? देखिए अभी तो यहाँ पहले यहाँ 8 बार संसद थे कड़िया मुंडा जी, जिनका व्यवहार बहुत कुशल रहा बीजेपी से। हाँ। और जैसे मैंने क्या बोलते हैं कि मिनिस्टर बनने के बाद भी हर व्यक्ति का हर काम तो कोई भी सांसद नहीं पूरा कर सकता है, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता है, लेकिन इतना चीज करता था कड़िया जी भी कि दुख और सुख में साथ देता था, हमेशा जनता के प्रति मतलब सजग प्रकट करता था, जनता से भाव रखता था, प्यार रखता था। घर का चूल्हा जलाने की बात तो कौन बोल रहा है, लेकिन इतने में यहाँ की जनता खुशी है। दूसरी बात है, यहाँ 10 साल विधायक रह चुके माननीय विकास कुमार मुंडा जी, इनका कार्यकाल अभी 10 साल हो गया। पहले अच्छू के बाद में वो कैसे कैसे जेएमएम गए, कैसे कैसे अच्छू से का वो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जेएमएम के कार्यकाल में भी यहाँ का जनता सोचा कि स्थानीय विधायक है, इनसे बनाने से हम लोग का काम होगा, इस तरह की बात हुई और सब में उत्साह प्रकट होकर जिताया गया था। लेकिन 10 साल बाद कुछ ऐसी काम नहीं हुआ, कभी दफ्तर जाने पर घर से भी नहीं निकलते और न तो कोई ऐसी काम होती है। फिलहाल जाने तो हम लोग का यहाँ का जैसे कि जितना कृषि उत्पादन में जो धान की खेती होती है उनका एक नहर है, सिंचाई नहर कांची नदी से निकलती है, वो नहर में देखिए अभी वो रोड ऐसा हो गया है उधर उली लोहर से आगे होकर के वहाँ से लेकर के जहाँ डैम है राउता बोलते हैं वहाँ से कि अगर कोई एम्बुलेंस भी नहीं जा पाएगा वहाँ पर, डिलीवरी केस वाला पेशेंट तो रास्ते में ही मर जाएगा, या तो माँ मरेगा या तो बच्चा मरेगा या तो फिर दोनों मर जाएगा, ऐसी हालत उस रोड की है। इसमें ना 10 साल बाद ना विधायक देखा है ना कोई देखा है, कुछ नहीं। सांसद अर्जुन मुंडा बीजेपी के रहते हुए भी उनको भी आग्रह किया गया था, लिखित पत्र बहुत सा दिया गया और उनका चैम्बर में भी जाकर भेंट किया गया, लेकिन आज तक हम तो यही बोलेंगे अर्जुन मुंडा भी वो काम कर नहीं पाया है। और बोला जाता है पेपर में देखे हैं कि उसका टेंडर हो चुका है, लेकिन टेंडर कोई भर नहीं रहा है, और ये अब क्या चीज है ये तो मंत्री लोग ही बता पाएंगे। लेकिन यहाँ अभी वर्तमान चुनाव का जो माहौल है इसमें लोकप्रिय नेता के रूप में अभी यहाँ की जनता राजा पीटर को ही बोल रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूँ, और यही आशा उम्मीद है कि ये जनता के प्रति और गरीब से पले हुए हैं, गरीब कैसा होता है, गरीब का बच्चा कैसे होता है, वो गरीबी क्या चीज होती है और यहाँ का जनता को मूलभूत समस्या क्या है, ये सब में वो लोग वो जो राजा पीटर जी है गोपाल कृष्ण पात्र वो उन सब में मतलब ध्यान देते हैं, जनता के प्रति सजग और लगाव ओरिजिनल रखते हैं, यही उम्मीद। सवाल है दादा, आप भी राजा पीटर बोल रहे हैं, यहाँ जिनसे भी बात हुई हुए राजा पीटर का ही जो है राग अलाप रहे हैं। एक और सवाल है दादा, एक जो है बहुत ही आप भी सुने होंगे, आप तो खासकर इसी क्षेत्र के हैं कि उन पर आरोप है, आप भी समझ रहे किस चीज को लेकर बोल रहे हैं, तो ये कितना उनको असर पड़ सकता है इस इलेक्शन में? देखिए आरोप तो ऐसा कोई भी अच्छा और महान चाहे सच्चाई आदमी को भी कोई किसी ने आरोप लगा सकता है, वो तो कोर्ट की बात है, इनके ऊपर में सच्चाई। हमको तो लगता है अगर ये सही दोषीदार होता, सही दोषी करार होता तो हमको लगता था कि इनको बेल भी नहीं होता। अभी उनका केस एनआईए में चल रहा है ये हम खुद जानते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है मेरे ख्याल से कि ये इस तरह का किया है, हमको नहीं लग रहा है। आप लोग पूरा तैयार है? आप लोग पूरा तैयार है? पूरा तैयार है और उम्मीद है कि विजयी बना के रहेंगे। किनको विजय बना? राजा पीटर को। ठीक है दादा जोहार, बहुत अच्छा आपने बताया कि यहाँ की जनता जो है फिलहाल लगभग जो है राजा पीटर जी को ही मतलब विजय होते हुए देखना चाहते हैं। फिलहाल और भी कई लोगों से हम बातें करेंगे, तब तक के लिए जोहार रहेगा।